नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 6 से 12। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जो है वेबिनार, जिसमें हम बात करते हैं ईटी और आईसीटी उपकरणों पर। तो किस विषय पे हम आज बात करने वाले हैं जो आपकी शिक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुगम और सुमंगमय बनाता है, हम बताएंगे आपको। और आज का हमारा शीर्षक है एक्सप्लोरिंग मेंडेले फॉर साइटेशन एंड रेफरेंस। ये एक रेफरेंसिंग टूल है और आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप है श्री योगेश रघुनाथ सोनावाड़े, आप हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट है एससीईआरटी पुणे महाराष्ट्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी, और आप सभी से हम देख कहना चाहेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, चाहे आप शिक्षक साथी हो या फिर आप स्टूडेंट्स हो, और खास तौर पर हम अपने शिक्षक साथी से बात करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो या फिर इस आईसीटी उपकरण के बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ। आप अपनी सभी बातें, अपनी सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800-440-559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है training.helpdesk@cit.nic.in। आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम इसी के साथ चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज का वेबिनार, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक रेफरेंसिंग टूल पर जिसका नाम है मेंडेले। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम आपके पास आएंगे योगेश सर, कि क्या उपकरण है ये और किस तरह से कार्य करता है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, आप हमारे सभी देखने वालों को बताएं सर। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से आपके यहाँ आ रही हूँ। मेरा टूल के बारे में आमंत्रित किया, मुझे स्क्रीन विजिबल है मैम? जी सर, आप इसे प्लीज फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सोनावणे एचओडी आईटी डिपार्टमेंट एससीईआरटी महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहा हूँ। आज हम मेंडेले रेफरेंसिंग टूल इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि हम सब शिक्षण जो हो गए हमारे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी के दौरान अलग अलग प्रकार के रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के दरमियान अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी हमारे रिसर्चर को काम में लेते हैं। लेते वक्त जो पारंपरिक उसी के प्रकार लेते हैं, लेकिन हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी अलग टूल इस प्रकार हम लिटरेचर में संदान में इजी और कम समझने दे, इसलिए अलग अलग टूल है। उसकी उसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण टूल है मेंडेले। मेंडेले लिटरेचर रेफरेंसिंग टूल है। जो भी कलेक्शन वाले रेफरेंसेस हैं, वो रेफरेंसेस समय के साथ में, ईयर के साथ में, अल्फाबेटिकल में, जो भी रेफरेंसिंग टूल है उस टाइप के साथ मैनेज करता है। दोस्तों, किसी भी अनुसंधान में इसमें जो जो रिसर्च क्वालिटेटिवली है, उन सब क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रेफरेंस से हमारा अनुसंधान परिपूर्ण होता है। रेफरेंसिंग को रिसर्च के महत्व है। तो मुझे यहाँ पे बोलने के लिए काफी खुशी होगी कि रेफरेंसिंग क्या होता है ये जान लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का होता है कि हमारे अनुसंधान में कई तरह की न्यूज पेपर हो, मैगजीन हो, रिसर्च जर्नल हो, वेबसाइट हो, कोई बुक हो, या किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति ऑलरेडी कंप्लीट की रिसर्च पढ़ते हैं, उसमें से कुछ जानकारी लेते हैं। वो जानकारी जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय रिसर्च। मेरे अनुसंधान में मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कैसे करूं, मैं कलेक्शन कैसे करूं। तो इस प्रकार जो जो उपयुक्त सामग्री मेरे पास है, जब मैं कलेक्ट करता हूँ और मेरे अनुसंधान में डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, करता हूँ डीप, तब मैं उसे रेफरेंसिंग दूंगा। तो रेफरेंसिंग
या तो आपका जर्नल से लिया होता है या वेबसाइट से लिया होता है या पहले किसी पूर्ण हुआ अनुसंधान से लिया होता है। ये रेफरेंसिंग एक प्रकार का एक सोर्स होता है, माने तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ स्टडीज। आप कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा आत्मसात करते हैं, अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, तो जब हम हमारे रिसर्च के दौरान हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पैराग्राफ में ये जब इंसर्ट करते तब उसे हम साइटेशन कहते हैं। साइटेशन यानी हमने जो जो जानकारी पढ़ी है, जो जो रेफरेंसेस हमारे अनुसंधान में लिए, उनका जिक्र, उनका लोकेशन हम जब हमारे अनुसंधान में देते हैं तब उसे हम रेफरेंसिंग को साइटेशन कहते हैं। तो रेफरेंसिंग देने का एक महत्वपूर्ण जो जरिया है कि रेफरेंसिंग यानी आपका जो अनुसंधान है ये साइंटिफिक बेसिक पर आधारित है, एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, आपने जो जो यूज किए रेफरेंसेस को साइंटिफिक प्रूफ है ये आपके रिसर्च में बताता है। इसलिए रेफरेंसिंग हमेशा करना काफी जरूरी। रेफरेंसिंग का एक छोटा फॉर्म होता है साइटेशन। जब एक्चुअल हम हमारे अनुसंधान में किसी भी चैप्टर में, चैप्टर वन हो, चैप्टर टू हो, चैप्टर थ्री हो, फोर हो, किसी भी चैप्टर में बिटवीन लाइंस इन पैराग्राफ जब रेफरेंसिंग करते तब उसे हम साइटेशन कहते हैं। तो साइटेशन क्या होता है? साइटेशन एक अलग प्रकार का सोर्स होता है जो बड़ी जानकारी काफी छोटे स्वरूप से, काफी स्मार्ट फॉर्म में हमारा रेफरेंसिंग दर्शाता है। ये कभी कभी कोटेशन के रूप में होता है, ये कभी कभी एक लाइन के रूप में होता है, ये कभी कभी कुछ वर्ड्स के रूप में होता है। जब हम इन पैराग्राफ इन लाइंस में रेफरेंसिंग करते हैं तो उसे हम साइटेशन करते हैं। साइटेशन देने के अलग अलग तरीके। साइटेशन में बेसिकली हम कभी कभी सिर्फ ऑथर का नाम लिखते हैं, जिस प्रकार विलियम शेक्सपियर द ग्रेट ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। जब हम हमारे रिसर्च में नाम में क्या रखा है ये सेंटेंस लेते हैं और उसके आगे हम इन ब्रैकेट देते हैं शेक्सपियर 1450, तो हमने जो शेक्सपियर का जो कोटेशन लिया था वो हमारा खुद का नहीं है, वो किसी और रिसर्चर का है, किसी और एजुकेशनिस्ट का है, तो हम उसे क्रेडिट देते। जब हम दूसरे को क्रेडिट देते हैं उसे हम साइटेशन के रूप में लिखते। कभी कभी ये टाइटल के फॉर्म में होता है, कभी कभी हम रिसर्चर का नाम और कॉमा देके उसका लोकेशन देते, यानी विलियम शेक्सपियर कॉमा इंग्लैंड। कभी कभी हम ईयर भी देते, विलियम शेक्सपियर कॉमा इंग्लैंड कॉमा 1450, इस प्रकार लिखते हैं। कभी कभी डेट देते, तो कभी कभी किसी स्टाइल में पेज नंबर भी देते। अभी सपोज मैंने विलियम शेक्सपियर की 500 पेज की किताब पढ़ी, लेकिन उसमें से मैंने 351 वाला जो पेज था उसमें से कुछ रेफरेंस लिया, तो मैं साइटेशन करते वक्त यही कहूंगा विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड और उसके बाद पेज नंबर 351। तो ये अलग अलग प्रकार की जो नेचर है साइटेशन के, नेचर हमारा रिसर्च किस प्रकार परिपूर्ण है, किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण है, ये सब दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा आपकी जानकारी के लिए कुछ डिफरेंसेस लिए कि रिसर्च में साइटेशन क्या होता है, रेफरेंसिंग क्या होता है और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो साइटेशन सबसे पहले देखिए कि साइटेशन एक सिंगल और स्पेसिफिक सोर्स होता है कि आप अनुसंधान में जो भी जानकारी देते हैं उसे छोटे फॉर्म में, एक कोटेशन के फॉर्म में जब सिंगल स्वरूप में लिखते तब हम उसे साइटेशन कहते। ये साइटेशन हम बिटवीन लाइंस देते, पैराग्राफ में देते हैं हमेशा, वो स्मॉल पार्ट होता है। वहां पे नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एजबॉन 2014। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए आपने रिसर्च करते समय बहुत सारे पैराग्राफ बहुत जानकारी ली होंगी, तो देखो इस प्रकार आपने कभी पढ़ा होगा कि कोविड-19 का ये पैराग्राफ है, कोविड उसके बारे में जानकारी है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है कोविड-19 वॉज डिक्लेयर अ ग्लोबल पैंडेमिक इन मार्च 2020, तो ये जो सेंटेंस है ये उस राइटर का नहीं है, ये WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका सेंटेंस है, उनका डिक्लेरेशन है। तो ये वाक्य जब किसी रिसर्चर ने उसके रिसर्च में लिया तो उसने WHO उसे क्रेडिट दिया, इसे कहते हैं हम साइटेशन। साइटेशन यानी किसी रिसर्च सर्चो क्रेडिट देना, उसकी जानकारी हमारे रिसर्च में इंक्लूड करना और हमारा जो रिसर्च है और ज्यादा क्वालिटेटिव करना। कभी कभी आप देखोगे कि साइटेशन
कुछ अलग स्वरूप में होते हैं, कभी कभी नंबर के स्वरूप में होते हैं। देखिए ये अलग स्टाइल है, यहाँ पे एक दो इस प्रकार के नंबर दिए हुए और उस नंबर को जब हम क्लिक करेंगे तो जानकारी सब आ रही है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो साइटेशन देने का स्टाइल है, ये हर राइटर का अलग अलग हर स्टाइल में अलग अलग होता है। हम अभी देखेंगे रेफरेंसिंग, साइटेशन का जो बड़ा रूप है उसे हम रेफरेंसिंग कहते हैं। साइटेशन हम बिटवीन लाइंस देते हैं, पैराग्राफ में देते हैं, चैप्टर के दरमियान देते हैं, लेकिन रेफरेंसिंग हमेशा हम जब हमारा चैप्टर पूर्ण हो जाता है तो सबसे आखिरी में होता है। आपने कोई किताब देखी होगी, कोई रिसर्च का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जब हमारा आर्टिकल पूर्ण हो जाता है तब सबसे नीचे जो रेफरेंसेस है उसे हम रेफरेंसिंग कहते हैं। तो रेफरेंसिंग क्या होता है, आपने अपने चैप्टर में रिसर्च में जितने साइटेशन लिए 10, 12, 50 उन सब की जो लिस्ट होती उस लिस्ट को हम रेफरेंसिंग कहते हैं। सारे साइटेशन का मिक्सचर कलेक्शन वो होता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग हमेशा हम सेंटेंस के फॉर्म में देते हैं और वो चैप्टर या हमारे रिसर्च पेपर के एंड में होता है, वो एक लार्ज पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है डर्विंग टीएम, रॉजिटर एमजे एंड मंद्रो एमजे, और उसके बाद उसकी किताब का नाम वो जर्नल है, जर्नल का नाम कौन से पेज पे लिया है वो भी दिया 245 बिटवीन 259। तो देखिए साइटेशन से थोड़ा बड़ा रूप जो होता है वो रेफरेंसिंग होता है, और उसके बाद सबसे आखिरी में बिब्लियोग्राफी। अभी बहुत से मेरे दोस्त हो गए यहाँ पे जिन्होंने बहुत से किताबें पढ़ी लेकिन कभी कभी उनके आखिरी में रेफरेंसिंग शब्द पढ़ा है, कभी कभी बिब्लियोग्राफी शब्द पढ़ा है। तो रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, तो रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी अलग अलग है। जब हमारे रिसर्च में कोई किताब जर्नल मैगजीन वेबसाइट का जानकारी लेते पढ़ते और हमारे रिसर्च में इंक्लूड करते साइटेशन करते तब उसे हम रेफरेंसिंग कहते। लेकिन जरूरी नहीं आपने जो भी पढ़ा है वो सब आप रेफरेंस के रूप में आपके रिसर्च में लो। कभी कभी हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं लेकिन उसका रेफरेंस हमारे रिसर्च में लेते नहीं, और सबसे आखिरी में जो लास्ट चैप्टर है वहां पे हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि ये किताब मैंने पढ़ी है लेकिन ये किताब का जो रेफरेंस है मैंने लिया नहीं। तो जो आपने पढ़ा है लेकिन आपके रिसर्च के चैप्टर के दौरान आपने रेफरेंस किया नहीं है उसे हम बिब्लियोग्राफी में प्रेजेंट करते। आगे हम देखते कि ये जो साइटेशन देने की स्टाइल है, रेफरेंसिंग देने की अलग अलग स्टाइल है। बेसिकली APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, CMS शिकागो मैनुअल स्टाइल, IEEE द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन 8th एडिशन, हार्वर्ड, नेचर, वैंकोर। तो ये अलग अलग प्रकार की स्टाइल है। और हम देखते हैं कि हम सब रिसर्चर बेसिकली हम एजुकेशन स्ट्रीम से एजुकेशन डिसिप्लिन से, तो हमारी डिसिप्लिन वाइज ये जो साइटेशन की स्टाइल बदलती। अगर हम देखें कि कोई इकोनॉमिस्ट के रिसर्चर है तो वो हार्वर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते, कोई इंजीनियरिंग या IT बेस्ड हो तो वो IEEE ये स्टाइल का इस्तेमाल करते, कोई ह्यूमैनिटीज का हो तो वो शिकागो हार्वर्ड MLA ये स्टाइल करते, मेडिसिन डिसिप्लिन वाले वैनकोर AMA NML ये इस्तेमाल करते। उसी प्रकार साइंस में ज्यादा से ज्यादा CSE शिकागो ACS इसका इस्तेमाल होता है। और हम देखें कि हम एजुकेशन स्ट्रीम वाले जितने भी शिक्षार्थी जितने भी एजुकेशनिस्ट है ये सब हम APA का इस्तेमाल करते, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये एक सैंपल के रूप में यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल दी थी कि आपको मालूम हो कि डिसिप्लिन वाइज हम कौन कौन सी जो साइटेशन स्टाइल है वो साइटेशन स्टाइल हमारे इसमें यूज करते। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे आपको बताने में भी थोड़ी खुशी होगी कि आज तक आपने बहुत सारे रिसर्च किए और आपके रिसर्च में आपने अलग अलग प्रकार के रेफरेंसिंग दिए। यहाँ पे मैं रेणु मैम से पूछना चाहूंगा, रेणु मैम क्या आपने पहले कोई अनुसंधान छोटे स्वरूप में किया है जी, मास्टर्स या ग्रेजुएशन के रूप में? जी मास्टर्स में जरूर किया है सर, और उसमें हमने जैसे आपने कहा साइटेशन जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो जरूर दिया जाता है ताकि सोर्स नेम पता चले कि कहाँ पर से आप चीजें ले रहे हैं। और ऐसी जब हम कोई अनुसंधान करते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो तो आपकी जितनी भी बातें होनी चाहिए वो सारी आधिकारिक तौर पर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए आपकी बातों के, तो वो सब सर हमने इस्तेमाल किया सर। तो मैम मुझे बताइए आपने रेफरेंसिंग किस प्रकार लिया था, कंप्यूटर के जरिए लिया था या मैनुअल किया था चैप्टर वाइज? सर मैनुअल किया था सर।
हाँ, तो मुझे यही कहना दोस्तों कि मेंडेले टूल हमें यही मदद करता है, क्योंकि हम क्या है, जो रिसर्च कर को आईटी का ज्ञान नहीं है, हम क्या करते हैं, मेरे फर्स्ट चैप्टर में मैंने 100 रेफरेंसेस लिखे, तो मैं क्या करता हूँ, 100 रेफरेंस मेरे नोटबुक में लिख लेता हूँ, वो चार चार पांच पांच लाइन का एक रेफरेंस वो लिखता हूँ, और जब मेरा रिसर्च पूरा होता है, मुझे रेफरेंसिंग एपीए स्टाइल, एलएमएस स्टाइल, सीएमएस में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 8 दिन जाते, मैं सिर्फ उसको एबीसीडी अल्फाबेटिकल करने में अगले 10-15 दिन जाते, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स या हेक्टिक पोजिशन है, तो हमें यही देखना है कि करंट हमारे जो भी रिसर्चर है वो राइटिंग में पहले रेफरेंस जिस प्रकार है नोटबुक में लिखते हैं, तो जब हमारे जरूरत हो जहाँ पे लिखना है वहां पे अल्फाबेटिकल लिखते हैं, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, और अल्फाबेटिक के बाद हम सब टाइपिंग करते हैं हमारे रिसर्च में, वो रेफरेंस सेक्शन जहाँ पे होता है वहां पे डालते हैं, फिर उसमें कुछ गलती रही, फॉन्ट का रहा, एपीए रहा, सीएमएस रहा, तो फिर हम एडिट करते हैं, तो ये जो थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन है, ये क्रिटिकल पोजीशन हमें मेंडेले काफी इजी कर देता है। हमने देखा है कि हमें आज तक वीडियो मेकिंग हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, एआई का हो, तो ओईआर काफी मदद करते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। तो हमेशा मुझे मेरे दोस्त पूछते थे कि रिसर्च में, अनुसंधान में हम कोई ओईआर यूज कर सकते हैं क्या, हमारा काम इजी कर सकते हैं क्या, तो मैंने उन्हें कहा जरूर कर सकते हैं, और हमें रिसर्च में रेफरेंसिंग जो सबसे बड़ा और क्लिष्ट कार्य है वो इजी करने के लिए जो मेंडेले टूल है ये काफी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रिसर्चर है, हम देखें तो बाजार में कई लाखों हजारों प्रकार के अलग अलग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है, कुछ पेड है, कुछ फ्री है, ओपन एक्सेस है। अगर हम देखें फ्री का देखें तो मेंडेले, एंड नोट, ये हमें फ्री एक्सेस देते हैं, हमारा जो काम है इन्हें यूज करके अच्छी तरह हो जाता है, लेकिन जब बहुत ही बड़े पैमाने का काम हो जहाँ पे काफी ज्यादा प्रकार का मेटा डेटा होता है, वहां पे लोग पेड ये जो टूल है मैनेजमेंट, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, ये इस्तेमाल करते हैं, तो पेड में रेफ मैनेजर, बिबटेक, जोटेरो, रेफ वर्क, विजडम एआई, पेपर, ऐसे कई सारे, ये मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ कि फ्री भी कुछ होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं, तो आपको जो सही लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जो मेंडेले उसका एक्चुअल इस्तेमाल देखने वाले, क्योंकि मेंडेले फ्री रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेंडेले में हमारा एक अकाउंट होता है, जिस प्रकार आपका जीमेल है, तो जीमेल में आपका ड्राइव होता है, ड्राइव में आप कई सारे प्रकार के आपके रेफरेंसेस, ई कंटेंट, वीडियोस, पीडीएफ, बुक्स, जिस प्रकार कलेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार मेंडेले के अकाउंट में हम कई सारे रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साइटेशन के रूप में रख सकते हैं, उन्हें बिब्लियोग्राफी के रूप में भी रख सकते हैं। मेंडेले हमें बेसिकली क्या करता है कि दूसरे रिसर्चर का जो रिसर्च है हम खुद में शेयर कर सकते हैं, या हमारा रिसर्च हम दूसरे रिसर्चर को शेयर कर सकते हैं, यानी जो कोलैबोरेशन है, ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए काफी इजी ये मेंडेले टूल है। मेंडेले यूज करके हमें मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स में अच्छे अच्छे गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी युक्त कौन कौन से जर्नल्स हैं, कौन से एजुकेशनिस्ट ने क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश किए, ये सब हमें मेंडेले कंटिन्यू हमें नोटिफिकेशन देता है, जिनका मेंडेले का अकाउंट है उन्हें कंटिन्यू में ये नोटिफिकेशन आते हैं, जिससे क्या होता है हमारा खुद का जो सीपीडी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये होता है एज ए रिसर्चर। तो मेंडेले ये जो एल्सवेयर कंपनी जो साइंस और हेल्थ के सेक्टर में काम करती है उनका प्रोडक्ट है, बेसिकली एल्सवेयर ये दुनिया का सबसे ज्यादा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बद साइंस और हेल्थ में आर्टिकल थे पब्लिश होते हैं, फ्री एक्सेस होते हैं, ये प्रोवाइड करने वाली है कंपनी। तो दोस्तों अभी हम एक्चुअल जो मेंडेले है, मेंडेले किस प्रकार हमें यूज करना है वो देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो देखूंगा शॉर्ट में। तो बेसिकली दोस्तों मेंडेले यूज करना और डाउन Mendeley desktop in your desktop, and in another video I will teach you, help you to desktop Mac OS, देखो आप and also available इसमें जब for Linux, and तो if you want to use it और on iPhone, iPod Touch, or iPad, you can install Mac OS by going के
इस अदर लीग डाउनलोड करना है बट ये भी ऑप्शन इफ यू इफ यू आर यूजिंग विंडो जो हमारे डाउनलोड गो टू दिस लीग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं डाउनलोड के बाद उसको रन एडमिनिस्ट्रेशन समझाएं क्योंकि वीडियो भी चल रहा है तो आपकी आवाज हमें नहीं आ रही ठीक से दिस इज द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट फर्स्ट स्टेप्स डाउनलोड तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा तो यहाँ पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो आप चाहते हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे थे जब ये वीडियो चल रहा था वो अब आप कहें क्योंकि वीडियो की आवाज से आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी सर Yes, जी मैनली डेस्कटॉप एंड इंस्टॉलेशन इंस्टॉल मैनली डेस्कटॉप एंड द थर्ड स्टेप्स ओपन मैनली एंड लॉग इन इनटू दिस वेब पेज यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड सिक्योर पासवर्ड सो दिस विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल यस मैनली डेस्कटॉप हैज डाउनलोडेड सो क्लिक shown in folder and this folder is here go to this and take it out on desktop paste it on desktop like this and right click on it and okay so run as administrator so dosto ye uska ek common procedure hai ये वीडियो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ तो ये एप्लीकेशन पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप में पहले डाउनलोड करके उसे सक्सेसफुली रन करना होगा उसके बाद रन करने के बाद एक्चुअल आपका जो मेन डिले काम करेगा तो हम एक्चुअल अभी ये जो प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी मेन डिले डाउनलोड किया हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप में शॉर्टकट के रूप में आ जाता है ये देखिए मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो इसी प्रकार वो मेरे डेस्कटॉप में शॉर्टकट के रूप में आ गया है अभी मैं एक्चुअली इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको बताता हूँ तो दोस्तों देखिए सपोज आप एक रिसर्चर है आप रिसर्च का कोई एक चैप्टर लिख रहे हो अभी रेणु मैम रिसर्च का चैप्टर 1 लिख रही है तो अब हमने मेंडली डाउनलोड किया अभी उसका हमें इस्तेमाल करना है सपोज रेणु मैम के कुछ 50 रेफरेंसेस थे जिन्होंने उन्हें फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में उन्होंने स्टडी किए और उनको यहाँ पे अभी रेफरेंसिंग साइटेशन उन्हें करना है तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन प्लगइन हमारे जो वर्ड में रेफरेंस टैब है इस टैब में आ जाता है देखिए मैं अभी रेफरेंस टैब को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ में सबसे आखिरी में देखो ये जो मेंडिले साइटेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो अभी मैं मेंडिले साइटेड इसको क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे अभी उसका एक्चुअल इस्तेमाल करना है तो मैंने अलग अलग प्रकार की जो रिसर्च पढ़े मेरे चैप्टर में अभी मैंने जो जो पढ़ा है वो यहाँ पे मेरे इसमें आ गए तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमारे जहाँ पे लेना है वो ओपन करना है हमारी चैप्टर की फाइल और देखो ये जो मेंडिले एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे जब हम मेंडिले ओपन करते हैं तो वो हमें पहले ईमेल के जरिए हमें यहाँ पे साइन इन करना होता है जी ये वो हमेशा नहीं पूछता कभी कभी पूछता है हाँ ये देखो हमारा अकाउंट अभी ओपन हो गया यहाँ पे अभी देखिए दोस्तों अभी हमें पहले क्या करना है मैंने मेरे चैप्टर 1 में मुझे जो जो पढ़ना था जो जो लेना था वो मैंने सब ऑलरेडी यहाँ पे लिया है तो हमें जो जो रेफरेंसेस पहले पढ़े वो हमें पहले जो जो रेफरेंस साइटेशन करने उन्हें हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होता है तो देखिए मैंने मुझे जो जो लेने थे मैंने एक फोल्डर बनाया और ये जो 7 मेरे रेफरेंसेस थे ये 7 रेफरेंस मुझे चैप्टर 1 में लेने थे तो मैंने क्या किया सबसे पहले इन्हें डाउनलोड किया और डाउनलोड करके एक फोल्डर में रखा क्योंकि मुझे इनका लोकेशन चाहिए मुझे वो मुझे चैप्टर में मुझे इंसर्ट करने तो मैंने क्या किया
इस सब यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, वो फोल्डर को नाम दिया रेफरेंसेस, उसमें रखे। और मैं फिर क्या करूंगा, मैं मेंडले में जाऊंगा और मेंडले में देखो यहाँ पे ऐड न्यू ये बटन है, तो ऐड न्यू में आपको जो जो रेफरेंस आपने पढ़े और आपके चैप्टर में आपको साइटेशन के रूप में रेफरेंसिंग देना है, तो उन्हें सबको आपको ऐड करना होता है। ये ऐड काफी इजी होता है, जिस प्रकार हम कॉपी पेस्ट करते हैं या कोई भी फाइल अपलोड करते उसी स्वरूप में ये एडिशन होता है। देखो मैंने इम्पोर्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, तो मैं ये करूंगा तो मुझे पूछेगा कि आपकी फाइल्स कहाँ पे, तो मैंने कहा कि मेरी फाइल्स देखो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मेरा रेफरेंसिंग फोल्डर है, उसमें ये फाइल है। देखो मैं सब फाइल यहाँ पे ये करूंगा और ओपन करूंगा, जैसे मैं ओपन करता हूँ सब मेरी फाइल से यहाँ पे आ जाती, मेरी फाइल जैसे भी यहाँ पे आ जाती तो देखिए दोस्तों कुछ फाइल का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आ जाता है, पहली फाइल दूसरी फाइल तीसरी, लेकिन कुछ फाइल की देखो यूजेस न्यू दिल्ली इसका ईयर आया नहीं है। तो कभी कभी जब पीडीएफ हम डाउनलोड करते उसके कुछ जानकारी मेंडले में आती नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको साइटेशन या रेफरेंसिंग देने के लिए राइटर का जो रिसर्चर का जो ईयर है, जो भी पब्लिशर ईयर है वो देना जरूरी। तो हम देखो यूजीसी ये फाइल में ईयर नहीं तो हमें देना है, तो हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करते तो हमें एक पॉपअप विंडो आता है, वहां पे वो बताता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसका टाइप क्या है, कि वो बुक है, वो केस स्टडी है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग है, वो फिल्म है, वो जर्नल आर्टिकल है, मैगजीन आर्टिकल है, या वो न्यूज़पेपर है, या पेटेंट है, थीसिस है, वेब पेज है, क्या है, तो ये हमें सिलेक्ट करना है। सपोज एक बुक है यूजीसी की, तो मैंने वो बुक सिलेक्ट किया, उसका नाम भी आया यूजीसी और उसका प्रैक्टिस ईयर भी आया वहां पे, राइट ये यहाँ पे राइटर का नाम होता है, ये मैन्युअली आप चेंज भी कर सकते हैं, कभी कभी दो या तीन राइटर होते हैं तो यहाँ पे वो कई बार बाय डिफॉल्ट जो है वो लेता है, लेकिन कभी कभी लेता नहीं तो हम मैन्युअली भी उसे एडिट कर सकते हैं। सपोज आपके दो या तीन राइटर है तो आप डेली को जब एंटर दोगे तो नेक्स्ट राइटर का भी रिसर्चर का भी ऐड कर सकते हैं, कितने भी रिसर्च यहाँ पे आप भी एंटर देके रिसर्चर ऐड कर सकते हो। उसके बाद पब्लिशिंग डिटेल्स, तो आप लिख सकते कि ये पब्लिशिंग कब हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक्चुअली जो बुक है वो बुक देख के उसमें लिख लेना होता है। अभी देखो हमारी वो जो बुक है बुक गुड एकेडमी राइटिंग ये बुक है, तो हमें वो बुक देख के उसकी जो जानकारी, देखो सितंबर 2020, तो हमें ये यहाँ पे लिखना है कि एडिशनल जानकारी ईयर 2020 उसके पेजेस। अभी पेजेस हमें कौन से लेने हैं दोस्तों, रेफरेंस हमने जिस प्रकार लिया है यानी 31 पेज से 35 पेज का, तो रेफरेंसिंग के पेज देने हैं हमें, टोटल पेजेस बुक के देने या राइटिंग आर्टिकल के मैगजीन के टोटल पेजेस देने ने, जो हमने रेफरेंस जिस पेज का है उसके देना। अभी अगर हमने 31 पेज का लिया है तो हम सिर्फ 31 to 31 यही देंगे, ये आपका 31 से 40 तो वही देंगे, और वॉल्यूम अभी उसका वॉल्यूम फर्स्ट है तो हम वॉल्यूम फर्स्ट करेंगे, सेकंड है तो सेकंड करेंगे, तो मैन्युअली जानकारी हम ऐड कर सकते हैं। उसके प्रकार उसको कुछ टैग है, अभी इसको कुछ टैग नहीं है, टैग यानी किसी भी राइटर को आपकी किताब या आर्टिकल ढूंढने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते, तो कीवर्ड्स इसमें नहीं तो हम कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं देंगे। फाइल्स का जो मैंने नाम दिया था, फाइल्स का नाम ऑलरेडी आ गया, यूआरएल। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप कुछ इंटरनेट से ऑनलाइन लेते हो, कुछ वेबसाइट से विकिपीडिया हो या किसी भी संस्था का कुछ पोर्टल हो, या आपने सीआईटी से कुछ जानकारी विद्या की जानकारी ली तो सीआई संस्था की जो वेबसाइट का लिंक है तो वो लिंक, तो वो मैन्युअली आप कॉपी करके यहाँ पे ले सकते हो, ये कितनी भी लिंक ले सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिफायर, अगर आपका आइडेंटिफायर अभी आप बुक है तो बुक के लिए हमें हमेशा आईएसबीएन डालना होता है, और यदि आपका रिसर्च आर्टिकल है मैगजीन का है जर्नल का है तो आपको आईएसएसएन नंबर डालना जरूरी होता है। तो हम ये बुक देखेंगे, इसको अभी कुछ आईएसबीएन नंबर होगा तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, यदि नहीं होगा तो नहीं डाला तो भी चलेगा। अभी हम देखते हैं इसको, तो आईएसबीएन नंबर शुरू में दिया नहीं, आखिर में देखते है क्या, तो आईएसबीएन नंबर नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो हम डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। सपोज हम बुक में आईएसबीएन नंबर है तो एक सैंपल डालते हैं कि ये आपको यहाँ पे भी सुविधा है, हम ये जो मिस जानकारी हो यहाँ पे डालते, तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिए। साइटेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें कुछ बड़ी जानकारी तभी देने की आवश्यकता है,
छोटी इसमें हमें लेने की जरूरत नहीं। अभी देखो हमने यूजीसी में डाल दिया, अभी देखो इसकी सब जानकारी हमें यहाँ पे आ गई। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, तो मैन्युअली भी हम ले सकते, जरूरी नहीं कि हर बार आपको सब जानकारी हो। तो मैन्युअली एडिंग का भी यहाँ पे प्रोसीजर है। तो मैंने अभी तक जो जो इस्तेमाल किए, मेरे सब यहाँ पे जो रिसर्चर, मेरे सब रेफरेंसेस, सब किताबें जो मैंने पढ़ी और इंक्लूड की उनकी जानकारी, ये मेरा डेटाबेस हो गया, ये आपकी मेंडेले की रिपोजिटरी हो गई। यानी ये जब तक आप मेंडेले यूज करेंगे एज अ स्टूडेंट, एज अ लेक्चरर, एज अ ऑफिसर या अपने रिटायरमेंट तक, तो ये डायरेक्टरी हमें हमेशा मदद करती। तो इस प्रकार हमने सब ऐड कर लिया। उसी प्रकार कभी कभी आपको लगता है कुछ ऑनलाइन लेना चाहिए, अभी मुझे मैंने मैन्युअल ले लिया। अभी देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अभी देखो यहाँ पे मेरा सबसे आखिरी वाला जो है, अभी सोर्स में मुझे देखूंगा कि यूजीसी और ये की, अभी मुझे ऑनलाइन कुछ रेफरेंसेस लेने, तो मैं सर्च यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में, सर्च में ऑनलाइन है, ये देखो टूल्स, टूल्स को मैं क्लिक करूंगा, सर्च फॉर आर्टिकल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी मैं कुछ जानकारी ले सकता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया, अभी मेंडेले की जो मेंडेले में दुनिया की अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमारे यूजफुल सब वहाँ पे रिपोजिटरी के रूप में। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ आर्टिकल, मुझे टेली कोलेबरेशन एक सैंपल उसका आर्टिकल कुछ चाहिए, टेली कोलेबरेशन यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। इन्होंने उदाहरण दिया है कि COVID-19, ई कंटेंट क्रिएशन, हजारों प्रकार के आप कुछ भी यहाँ पे टाइटल दागो, उसके हिसाब से जो जो आर्टिकल मेंडेले में सेव है वो सब आपको बताएगा। तो मैं अभी टेली कोलेबरेशन पे सर्च करता हूँ कि क्या आर्टिकल है। तो देखो उसने मुझे बताया कि जर्नल है, वो जर्नल का जो टाइटल है उसमें जो पेपर पब्लिश है उसको 90 साइटेशंस मिली और 55 रीडर्स ने आर्टिकल पढ़ा है। अभी ठीक है, मैं क्या करूंगा, गेट फुल एक्सेस यहाँ पे जाके मैं भी पढ़ूंगा। मेरे पढ़ने के बाद मुझे लगा अरे ये जरूरी, मेरे लाइब्रेरी में लेना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड टू लाइब्रेरी करूंगा। अभी देखो मैं ऐड टू लाइब्रेरी करता हूँ, हाँ तो पहली बार वो हमें सिर्फ ये पूछेगा कि आपका अकाउंट है क्या। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरा अकाउंट है, मैं लॉग इन कर देता हूँ। ये पहली बार ही पूछेगा, वो आपको बार बार नहीं पूछेगा। हाँ अभी मैंने लिया यहाँ पे, तो देखो अभी व्यू इन लाइब्रेरी, उसने कहा कि आपकी लाइब्रेरी में आ गया, अभी ये मुझे फ्री मिल गया। अभी हम वो देखेंगे यहाँ पे आ गया होगा ये राइटर थे इरेन ओ राइजिंग क्रिटिकल, ये देखो इनके आर्टिकल आ गए राइजिंग क्रिटिकल, ये ऑलरेडी आ गए। देखो मेरी लाइब्रेरी काफी समृद्ध हो गई, मैंने अच्छे अच्छे जो ऑनलाइन जो रिसर्च है, जो जर्नल से उनका जो रेफरेंस है मेरे इसमें लेने के लिए, मुझे ऑनलाइन भी यहाँ पे सुविधा है। तो मैं मैन्युअली भी ले सकता हूँ, डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ, या ऑनलाइन भी मैं लेके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने अभी मेरी रिपोजिटरी ले ली, मैंने मेरे चैप्टर में मुझे जितने भी रेफरेंस लेने थे वो मैंने मेंडेले के अकाउंट में ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो चैप्टर वर्ड का ओपन करना है, उसके बाद रेफरेंस टैब में जाके मेंडेले को ओपन करना है। और जैसे भी मेंडेले ओपन होता है तो आपको फर्स्ट बार ये करना होता है कि आपको अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी रिफ्रेश करना होता है। आप जैसे भी रिफ्रेश करते हो अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी, तो मेंडेले के अकाउंट में यहाँ पे आपके जितने भी रेफरेंसेस आपने लिए सब रेफरेंसेस आपके इस लाइब्रेरी में आ जाएंगे। अभी वो देखो सब अपडेट करा है, यहाँ पे थोड़ा नेट की वजह से वो स्लो हो रहा है, तो वो अपडेट करा है। अभी जितने भी मेरे लिए सब यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, जैसे भी अपडेट होंगे तो मैं एक एक करके यहाँ पे भी लेता हूँ। सर जब तक ये समय ले रहा है हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि मेंडेले रेफरेंस को लेता है, तो किस तरह से वो कैसे सेव रखता है सभी रेफरेंसेस को, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। तो एक मैम मेंडेले में हमें जो भी रेफरेंस लेना है वो हमें मेंडेले हमारे टूल में जाके वहां पे सबको ऐड करके यहाँ पे हमारे सेव करना, यानी ये हमारी रिपोजिटरी होती, और ये रिपोजिटरी कभी भी डिलीट होती नहीं, ये रिपोजिटरी हमेशा बढ़ती होती।
हम चैप्टर वन में ले सकते हैं, चैप्टर टू में ले सकते हैं, हमारा एक्शन रिसर्च या कोई भी हमारा काम हो उसमें हम ये ले सकते हैं। तो यानी कि सर एक बार जो हम रेफरेंस ले लेंगे तो वो दोबारा उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, यही कहना चाह रहे हैं जी? उसमें डिलीट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो आपकी रिपोजिटरी में, जिस प्रकार सोशल मीडिया में हम कुछ किताब कुछ फोटो कोई भी अपलोड करता है लेकिन हमारे अकाउंट से वो डिलीट हो सकता है, लेकिन वो उस पर डिलीट नहीं होता। तो मेंडली में हम जो भी करते हैं वहां पे वो सेव होता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पे हमें ऑल रेफरेंसेस, सपोज मैंने अभी ये दो, मैंने अभी जस्ट ट्रैश, मैं टेम्पररी इसको अभी डिलीट करता हूँ। देखो अभी ये टेम्पररी मैंने डिलीट किए, लेकिन मैंने जितने भी मेरे वो ऑल रेफरेंसेस करता हूँ तो यहाँ पे हमेशा वो सेव रहेंगे और मेरे काम में आएंगे हमेशा। सर हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जब हम मेंडले इस आईसीटी उपकरण की बात करते हैं तो क्या ये हमें सिर्फ ऑनलाइन रेफरेंसेस ही देते हैं? नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन भी देता है और मैन्युअल भी हम इंसर्ट करते हैं। हमने मैंने क्या देखा अभी, कुछ मैंने मैन्युअली लिए थे, पहले उनको डाउनलोड किया और फिर अपलोड किया तो इसलिए वो मैन्युअली हम जो भी हमारे काम के, मैंने यहाँ पे जो भी मुझे लग रहे थे मैंने उन्हें डाउनलोड किया, डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव लिया और संपर्क में जब ऐड करता हूँ ये मैन्युअल हुआ, और उसी के साथ जब मुझे ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़ते ही मुझे ध्यान में आया कि ये जरूरी करना बन, तो हम ऑनलाइन भी ले सकते और ऑफलाइन दोनों ले सकते। ठीक है सर, क्योंकि समय काफी ले रहा है तो क्या आप इसे ऐसे नहीं, ही बता सकते हैं? नहीं, मैं हो जाएगा मैम जी। तो कुछ और बात है तब तक आप जो हमारे सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाना चाहें इस आईसीटी उपकरण से जुड़ा हुआ? सर जी मैं तो यही कहूंगा कि हर हॉटस्पॉट जी सर तो मैं तो ये कहूंगा हमारे साथियों से कि हम जो हमारी जो पारंपरिक पद्धति जिसमें हम ये रेफरेंसिंग लेते, तो पारंपरिक पद्धति को छोड़ के जब हम मेंडले यूज करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइल मैं फिर से ओपन करता हूँ। हमें जब हम मेंडले का जब आप यूज करोगे तब बड़े जो डेटा होता है हजारों या हम बड़े बड़े रेफरेंसेस, ज्यादा से ज्यादा संख्या के रेफरेंसेस जब हम हमारे रिसर्च में लेते तब आपको मेंडले का जो महत्व है वो आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि मेंडले यूज करने में इजी है, हैंडल करने में इजी है, उसको आप रिसर्च में सब जानकारी लेने के लिए काफी इजी। तो हमारे ये सब रिफ्रेश हो गया। अभी देखो दोस्तों क्या कि मैंने मेरे रिसर्च में एक सेंटेंस लिया, कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव 2027। अभी मैंने ये सेंटेंस लिया, ये सेंटेंस मेरे खुद का नहीं, मुझे अभी साइटेशन देना है, क्रेडिट देना है, तो मैं देखूंगा कि ये क्रेडिट मेरा रेफरेंस कहाँ से लिया है, उसको मेरे मेंडले के अकाउंट में ऑलरेडी लिया था और रिफ्रेश करके वो मेरे इसमें अभी आ गया रिपोजिटरी में। सपोज ये मेरा ये रेफरेंस है ये जर्नल का, तो एक बात है कि रेफरेंस साइटेशन आपको जहाँ पे करना है वहां पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि मुझे ये रेफरेंस साइटेशन यहाँ पे लेना है, तो मैंने देखो यहाँ पे राइजिंग क्रिटिकल को क्लिक किया और नीचे देखो इंसर्ट वन साइटेशन आया, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट वन साइटेशन किया, तो आप देख रहे हो देखो यहाँ पे इरेन कॉमा 2023 ये ऑलरेडी आ गया, तो मैंने एक रेफरेंस मेरे इसमें ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा कि मेरा दूसरा रेफरेंस है यहाँ पे लिया, ये जो सेंटेंस है मैंने एक दूसरी किताब से लिया है, दूसरे नौ रिसर्चर की रिसर्च से लिया है, तो मेरा दूसरा रिसर्चर ये, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे मैंने इंसर्ट किया, तो देखो दूसरा जो मेरा है इरेन 2023 बी, इसको साइटेशन अपने आप आ गया। उसके बाद मैंने तीसरा लिया, तीसरा मेरा साइटेशन है ये किताब से तेजस, ये तो मुझे देखना ये मुझे समझ जाता है क्योंकि कौन सी किताब से कौन सा लिया है, उसी प्रकार में एक एक मेंडले में ये सेव करता हूँ, तो मैंने तीसरा रेफरेंस लिया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा
चौथा जो रेफरेंस है ये एकेडमिक बुक यहाँ से मैंने लिया था, उसे मैंने साइटेशन किया, देखो यूजीसी डेली 2020 इस प्रकार आ गया। उसके बाद मेरा पांचवा रेफरेंस था यूजीसी का, वो मैंने लिया, पांचवा रेफरेंस यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने छठा रेफरेंस लिया कास का, छठा रेफरेंस आ गया, उसे इंसर्ट किया, इंसर्ट करना काफी जरूरी। उसके बाद मैंने मेरा सातवा रेफरेंस लिया, सातवें रेफरेंस को मैंने यहाँ पे साइट कर दिया। यानी मेरे सपोज चैप्टर फर्स्ट में 50 थे, तो मैंने इस प्रकार मेरे जो भी 50 साइटेशन जो रेफरेंसेस है सबको मैंने इंक्लूड कर दिया। और लास्ट वाला फिगर ये था तो अवेयरनेस ऑफ टेलीकोलैबोरेशन ये भी कर दिया। इस प्रकार सपोज मैंने मेरे 70 रेफरेंसेस थे जो चैप्टर वन में यूज किए। अभी मेरा मैनुअल क्या था, मैं मैनुअल 70 को लिखूंगा, उन्हें फिर अल्फाबेटिकल करूंगा, कुछ लोग एक्सेल में डालेंगे, फिर अल्फाबेटिकल करेंगे, फिर कॉपी कर पेस्ट करके एक एक लेंगे और आखिरी में रेफरेंस में टाइप करेंगे। तो देखो अभी मेंडेले का कमाल कैसे किस प्रकार है, सपोज मेरा चैप्टर मैंने ये पैराग्राफ के बिटवीन इन टेक्स्ट में सब साइटेशन दे दिए, मेरा चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर जहाँ पे खत्म होता है हमें रेफरेंसेज जहाँ पे लेना है रेफरेंसेज है बिब्लियोग्राफी, तो मैं क्या करूंगा वहां पे क्लिक करूंगा। तो देखो मेरे यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया, भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये रेफरेंसेस। अभी देखिए अभी मेरे रेफरेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे। देखो रेणु जी हमने 70 रेफरेंसेस थे हमारे, अभी देखो हमें सब रेफरेंस लेने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेफरेंस है वहां पे हमने क्लिक किया। मैं जस्ट देखो यहाँ पे तीन डॉट है, तीन डॉट में गए, ये तीन डॉट में सिर्फ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है। मैंने क्या किया सिर्फ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया, उसने पूछा कि आपका कर्सर लोकेशन सही जगह पे, हाँ सही जगह पे, मैंने कंटिन्यू करा। देखिए ये सपोज मेरे 70 एक सेकंड में सारे जो रेफरेंसिंग है वो टेक्नोलॉजी की वजह से सही समय पे आ गए और सही तरीके से आ गए, क्योंकि रिसर्च में स्टाइल बहुत जरूरी। अभी मैंने जो स्टाइल यूज करी यह भी सपोज एपीए स्टाइल था, लेकिन मुझे लगा कि मैं डॉक्टर एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं चेंज स्टाइल की, मैंने वैनकोर स्टाइल किया और देखो अपडेट स्टाइल किया। ये देखिए रेणु जी अभी मेरा अपने आप 70 के 70 रेफरेंसेस वैनकोर में कन्वर्ट हो गए, मुझे फिर से मैन्युअल एक डॉट टाइप करके करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं सपोज मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मुझे IEEE स्टाइल में चाहिए, तो मैंने सिर्फ अपडेट किया। देखो मेरे इंजीनियर का रेफरेंस इस प्रकार होता है, आप किसी भी बुक या किसी भी जर्नल को लीजिए इंजीनियर का, इसी प्रकार रेफरेंसिंग दिया होता है। तो देखो ये अपने आप हो गया, इजी हो गया, यानी कम समय में हो गया, स्टाइल से हो गया और क्वालिटी बद्ध हो गया, यानी जो साइंटिफिक बेस है वो साइंटिफिक बेस से हो गया। तो मेंडेले का ये फायदा है दोस्तों कि मेंडेले में हम जब बड़े पैमाने का काम करते तो काफी इजी रूप में कम समय में, और टेक्नोलॉजी का यूज जब हम करते तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमें रिसर्चर को, हमें एजुकेशनिस्ट को सपोर्ट करती है, इजी बनाती है। इसलिए टेक्नोलॉजी में जो अलग अलग टूल्स है वो हमने हमेशा इस्तेमाल करने चाहिए। तो इस प्रकार ये जो मेंडेले का यूज है, तो मेंडेले का यूज है मैंने मेरा एपीए स्टाइल में कर लेता हूँ। मैं CMS में करता हूँ तो CMS में हो गया। नहीं इसमें अलग अलग बहुत प्रकार की स्टाइल है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, आपका स्ट्रीम कौन सा है, एजुकेशन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, इसी प्रकार से मेंडेले हमें सब ये हेल्प करता है। तो हम अपने हमारे PPT पे आएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार मेंडेले एक इजी टूल है, रेगुलर हम जो भी ऐप यूज करते हैं, जो भी डाउनलोड की प्रोसीजर है, जिस प्रकार हम डाउनलोड करके रन एंड एडमिनिस्टर करके फाइल रन करते हैं, उसी प्रकार मेंडेले भी करना है। इसके इंपॉर्टेंस तो मैंने कहा कि कलेक्शन अच्छा होता है, क्वालिटी रिसर्च पेपर, क्वालिटी आर्टिकल्स, क्वालिटी रेफरेंसेस, क्वालिटी साइटेशंस आपके रिपोजिटरी में जमा होती है, उसी प्रकार आप खुद अपने साइटेशन क्रिएट कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरों के रिसर्चेस, दूसरों के रेफरेंसेस, साइटेशंस अपने रिसर्च में ले सकते हो, अपना रिसर्च, अपना साइटेशन दूसरे को शेयर कर सकते हो ऑनलाइन। तो कोलैबोरेशन के लिए काफी जरूरी है, जब आप अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हो तो अपना पेपर दूसरे को इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरों का डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो क्वालिटी में जो पैरामीटर्स है, राइटिंग, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, उस सब पैरामीटर्स में
मेंडेली में जो जो साइटेशन जो जो रेफरेंसेस किया है वो हमेशा 100% अप्रूव होता है। ये मेंडेले ऑनलाइन है, इसमें आप जो भी टाइप करोगे हमेशा आपके अकाउंट में सेव रहेगा। आप घर बाहर किसी टूर पे रहे कभी भी लगे अपने मोबाइल से ओपन करके आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। और मेंडेले अपने विंडोज आईफोन आईपैड आईमैक्स लिनक्स सबको शेयर कर सकता है। जब आप अच्छा साइटेशन करते हो अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हो तो आपका खुद का जो प्रोफेशनल करियर है वो भी अपने आप एक बढ़िया होता है और आपके लोगों में आपका जो स्टेटस है वो हमेशा बढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो मेंडेले की जानकारी थी, मैंने मेंडेले की जानकारी थी। अभी कुछ सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा जो भी उपकरण है हमें बताया मेंडेले के बारे में, और जितने भी अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं, छात्र हैं या शिक्षक हैं, आप सभी के लिए ये आईसीटी उपकरण काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सर जितने अच्छे तरीके से बताया हमारे सभी दर्शकों तक वो सारी जानकारी अच्छे तरीके से पहुंची है। यहाँ पर हम आपसे स्वयं जानना चाहेंगे, जैसे आपने बड़ी बड़ी बातें बताई, आपने अभी हमारे साथ साझा किया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें प्लस पॉइंट्स है, बेनिफिट्स है। यहाँ पर हम आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे इस आईसीटी उपकरण के बारे में, जैसे आपने बताया कि एक फ्री आईसीटी उपकरण है सर जी, तो क्या इसका कोई सा पेड वर्जन भी है सर? इसका पेड वर्जन भी मैम, लेकिन हमारा जो फ्री वर्जन है उससे अच्छी तरह काम हो जाता है। देखो आप, हम एक जनरल रिसर्चर, हम क्या करते हैं, हमारा रिसर्चर 200 पेज का होता है, हमारे चैप्टर लिमिटेड होते हैं, हमारे जो रेफरेंसिंग भी लिमिटेड होता है, क्योंकि हम एक वैज्ञानिक के रूप पे काफी एप्लीकेशन बेस्ड का भी रिसर्च ज्यादा करते नहीं। हमारा जो रिसर्च है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है, तो क्वांटिटी बेस्ड रिसर्चर को अपना काम साइंटिफिक करने के लिए जो जो टूल जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब रिस्ट्रिक्शन सब पैरामीटर्स मेंडेले में कवर किए। आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन कर सकते हो, आप वर्ड में यूज कर सकते हो, आप रिपोजिटरी वहां पे सेव कर सकते हो, आप जो जो रेफरेंसेस उसमें इंक्लूड किए हर रेफरेंस को जो एडिटिंग है मैन्युअली एडिटिंग है मैन्युअली एडिटिंग कर सकते हो। तो ये जो सब बातें एज अ रिसर्चर एमफिल और पीएचडी के स्तर पर ये बातें बहुत हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी को जरूरत है। जी सर, जैसे आपने बताया था कि इसकी अपनी रिपोजिटरी है, इसकी एक लाइब्रेरी है, और आपने बताया कि उसमें आप काफी चीजें सेव कर सकते हैं, और तो सर यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें कोई स्पेस की भी दिक्कत आती है? बहुत सारा स्पेस है, जितने भी जो भी अनुसंधान करने वाले हैं वो जितनी बातें और रेफरेंसेस सेव करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं? जी कर सकते हैं मैम, इसमें एक सुविधा भी होती है कि आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। अच्छा। सपोज मैंने चैप्टर फर्स्ट के लिए मुझे 40 रेफरेंसेस लिए, तो आप मेंडेले में एक फोल्डर कर सकते हो, उसे नाम दे सकते हो चैप्टर फर्स्ट, और आपके जो जो रेफरेंसेस है जो जो डाउनलोड किए या ऑनलाइन किए वो सबको आप वहां पे लिंक कर सकते हो। आपको फिर से चैप्टर सेकंड लेना है, चैप्टर सेकंड के लिए अलग आपके रेफरेंसेस है, तो फिर से फोल्डर बनाइए चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड के आपके जितने भी रेफरेंसेस है आप डाउनलोड कीजिए और चैप्टर फोल्डर में ऐड कीजिए। यानी हर चैप्टर वाइज हर रिसर्च पेपर वाइज आपकी डिसिप्लिन वाइज आप जो जो रेफरेंसेस है वहां पे कलेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, आपकी रिपोजिटरी बना सकते हो, और इतना ही नहीं आप दूसरों को ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है किसी मैगजीन में उसका DOI नंबर जनरेट होता है, तो ये DOI भी हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो वो DOI से हमारा रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकता है, हमने क्या क्या साइटेशन लिए है वो सब साइटेशन लेके उसे जो जो उपयुक्त साइटेशन जो जो रेफरेंसेस है वो ले सकता है। उसने हमारे जो जो साइटेशन ले रहे हैं मेंडेले में हमारे अकाउंट में वो पॉइंट जुड़ते जाते हैं, यानी हमें उतने पॉइंट मिलते हैं, हमारा साइटेशन कितने हुए हमारे आर्टिकल को, उससे हमारा एज अ प्रोफेशन जो करियर है वो करियर रिफ्लेक्ट होता है कि मेरे एक आर्टिकल को 100 साइटेशन है, यानी कितने लोगों ने पढ़ा है, तो वो क्वालिटी बढ़ है, ये वैसे रिफ्लेक्ट होता है। जी तो सर ये तो बहुत ही अहम जानकारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ रहे उन सभी को ये जानकारियां बहुत पसंद आई होगी। अब समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं सर, इसे हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन जाने से पहले योगेश सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरी जानकारी हमारे सभी देखने वालों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी धन्यवाद मैम, और मैं आदरणीय मेरा सर इंदु मैम, एंजल मैम, हमारी रेणु मैम, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रयास पे, बड़े मंच पे मुझे बोलने के, अपने विचार प्रदर्शन करने की संधि दी। रेणु मैम, मैं आपका और सीआईटी का काफी आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को ये कहना चाहेंगे कि अभी आप जानकारी ले रहे थे मेंडेले इस उपकरण के बारे में, एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल रहा और आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ योगेश सर ने। अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जिसका नाम है सहयोग, जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। और आज का हमारा शीर्षक रहने वाला है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अ स्किल टू बी लर्न, तो किस तरह से आप कम्युनिकेशन इस आर्ट को अपना सकते हैं और इनकलकेट कर सकते हैं आपको बताया जाएगा उस सत्र में। आपको बस एक काम करना है, आपको यूं ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना है। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। नमस्कार।